डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी 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 डिपार्टमेंट नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और इस वक्त आप लोग जुड़ चुके हैं अखनूर के साथ। हमारे साथ आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ युवा जो हैं एक उग्र प्रदर्शन पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर कर रहे हैं। इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर किन मसलों के कारण ये युवा जो हैं अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम रंजीत सिंह है। रंजीत जी, आपसे जानना चाहूंगा, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी जी युवाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं 370 हटने के बाद, लगातार एलजी महोदय ने भी जो है युवाओं को सशक्त करने की बात की है, पंचायत में यूथ लेवल पे क्लब्स बनाए जा रहे हैं, यूथ क्लब्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे में युवाओं को आखिर क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर प्रदर्शन करने की? अतुल जी, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये बड़ा चलाक है। ये सोचता है कि छोटे छोटे ऑर्डर निकालता रहता है कि लोगों को पता नहीं चलेगा। अब पीडब्ल्यूडी वालों ने एक ऑर्डर निकाला पिछले दिनों, जो कि पहले नहीं था। जैसे इनको पता चला कि अब हर डिपार्टमेंट में ई टेंडरिंग सिस्टम हो गया, पंचायतों में भी ई टेंडरिंग सिस्टम हो गया, और बड़ा अच्छा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या माननीय मोदी जी ने जो ये स्टेप लिया, बड़ा अच्छा है। इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि पहले क्या होता था, जो सरपंच था वो ही अपने चहितों को काम देता था तो चलता रहता था, जहाँ सरपंच खुद ही कराता रहता था। तो आज क्या हुआ, कार्ड बनना शुरू हुए। अब इनको लगा, डिपार्टमेंट को लगा कि ठेकेदारी बड़े हो गए हैं। अब इन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया कि जो भी टेंडर, जो भी बिडर बिड डालेगा, उसके लिए 25% अमाउंट रिजर्व रखने पड़ेगी। तो अब जो जो नौजवान, मेरे जैसा नौजवान या मेरे साथी जो नौजवान है, जो हमारे जैसे नौजवान है, जिनके जिनके पास जो बड़े ठेकेदार हैं, उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, जेसीबी है, डैम्पर है, हर कुछ है। तो जो नए ठेकेदार हैं, उनके पास किसी ने बैंक से लिमिट ली है, किसी ने दुकान रखी है, किसी कैसे भी कोई जुगाड़ करके, कोई अपने माता पिता से पैसे लेके टेंडर काम करना शुरू हुआ। क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा कि सेल्फ यूथ को प्रमोट किया, यूथ को प्रमोट किया जाए। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इतना चलाक है, ये बदमाशी करता है कि ये इनका जो जो इनको पैसे आने का साधन है बंद हो गया। अब इनको पता करप्शन कौन कहाँ से आएगी। अब पढ़े लिखे नौजवान इसमें आ गए हैं, ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, कंपटीशन बढ़ गया है। अब इन्होंने क्या किया, ये सर्कुलर निकाल दिया। अब मेरे जैसा बंदा है कि टेंडर डाल पाएगा ना? आपका ये कहना है कि ये सर्कुलर जो है खास करके अनएम्प्लॉयड यूथ के खिलाफ है। बिल्कुल, ऐसा क्यों समझते हैं आप? क्योंकि ये तो सभी के ऊपर इंप्लीमेंट होगा ना, बड़े ठेकेदारों के ऊपर भी होगा, आपके ऊपर भी होगा। अतुल जी, मेरी बात सुनो ना, मेरी उम्र है 30 साल। अब मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी है, मेरे पास जेसीबी थोड़ी है, मेरे पास डैम्पर थोड़ी है, मेरे पास ट्राली थोड़ी है। जो पुराने ठेकेदार हैं उनके पास सब कुछ है। जो मंत्रियों को चाहते थे पहले अलॉटमेंट हो जाते थे काम, अब ये टेंडर सिस्टम आया। आपका कहना यह है कि उनके पास रिजर्व पैसा होगा, लेकिन युवाओं के पास इतना रिजर्व पैसा? बिल्कुल बिल्कुल, जो नए नौजवान ठेकेदारी करने में शुरू हुए हैं उनके पास, जो इंजीनियरिंग करते हैं वो भी कार्ड बनाते हैं, अब इतनी रोजगार थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों, तो आप देख सकते हैं कि इन युवाओं का साफ तौर पर यह कहना है कि ई टेंडरिंग प्रोसेस जब से शुरू हुआ है ये उसका स्वागत करते हैं, ई टेंडरिंग प्रोसेस का स्वागत करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिससे नए युवाओं को जो है इस फील्ड में काफ़ी मुश्किलें आनी पड़ेंगी। क्योंकि रंजीत जी ने अभी बताया कि 25% आपको पैसा जो है टेंडर का वो रिजर्व अपने अकाउंट में शो करना है। ऐसे में इनकी बात भी जेन्युइन है कि जो नए युवा, खासकर अनएम्प्लॉयड लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इंजीनियर्स पढ़े लिखे जो इस फील्ड में आते हैं, उनके लिए इतना पैसा शो करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लें 10 लाख रुपए का एक टेंडर है तो आपको 2.5 लाख रुपए अकाउंट में शो करना है। ऐसे में अगर 5 से 6 टेंडर इकट्ठे इनको डालने हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए इतना पैसा शो करना मुश्किल हो जाता है। रंजीत जी, इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक स्टेप लिया गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बंद कर दिया गया। काफ़ी समय सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे थे, वो भी सीधे युवाओं के साथ जुड़े थे। उस वक्त ये सारे युवा कहाँ थे, उस वक्त आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई?
वो मेरे संज्ञान में अभी आया, हमने अपने जो सीनियर लीडरशिप है उनके उनके ध्यान में ये बात लाई। अब छोटी छोटी बातें जो चोर लोग हैं इनको एक्सपोज करना चाहिए, लोगों में जूते मारने चाहिए कि ये जो ऑर्डर निकालते अगर एससी ने निकाला इसको जूते पड़ने चाहिए, इसको सस्पेंड करना चाहिए कि ई टेंडरिंग का क्या मतलब है, अगर लाख रुपये टेंडर हो रहा है तो उसका क्या मतलब है। इसीलिए कि छोटा ठेकेदार है, जो छोटा जो नौजवान लड़के हैं वो काम करें, सीखें, छोटे छोटे टेंडर डालें वो सीखें। क्या ये बाकी विभागों में भी ऐसा ही ऑर्डर है या सिर्फ अभी तक पीडब्ल्यूडी में? जो सिर्फ पीडब्ल्यूडी ने निकाला है और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, इनके साथ सीधे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? सिकंदर सिंह। सिकंदर जी, आप भी कॉन्ट्रैक्टर लाइन से जुड़े हुए हैं काफ़ी देर से, किस तरीके से देखते हैं इस ऑर्डर को, कितना नुकसान होगा युवाओं को? नुकसान तो बहुत होगा, डोगरी गल जी जी बिल्कुल डोगरी में। नुकसान तो बड़ा होना जी, क्योंकि अस छोटे लोगों वो ठेकेदार हाँ, तो पैसे जुगाड़ करने तो बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो ई टेंडरिंग इं चला दी जी, तो हूँ इन्हें नवा सर्कल क्ढी उड़िया, कल और कोई सर्कल क्ढी, साढ़े तो बड़ी परेशानी है। तो असें कोई वो नहीं है भाई गंडोए दें, कोई दादे पड़दादे ज कोई वो ने, असें ग्राउंड कोला शुरू होए दें, साढ़े तो बड़ी परेशानी है, असं यदा विरोध करने। नहीं तो सही, क्या लगता है कि चंद जो बड़े ठेकेदार ने उन्हें फायदा देने वास्ते रूल कटे? बिल्कुल सही है जी, ये बड़े ठेकेदारों की गै करने ही परतिया ठोलने ही वो किता, इन्हें ये सारे मिले दिन एस सी वगैरह पीडब्ल्यू डी जिन्हें भी हैं पाली तो हाय हाय। रंजीत जी, आपसे जानना चाहूँगा मांग क्या करते हैं और किससे मांग करते हैं इस पूरे मसले के बारे में? मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, जो पीडब्ल्यू डी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे मांग करना चाहूँगा कि इस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए और नौजवानों के मुराल डाउन ना करें, उनको बूस्ट करने की कोशिश करें, ना कि उनका मुराल डाउन करने की कोशिश करें जी। तो आप देख सकते हैं ये कुछ युवा थे जिन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के टेंडरिंग प्रोसेस में हुए अमेंडमेंट्स का विरोध किया, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि डिपार्टमेंट को, खासकर कमिश्नर सेक्रेटरी और एलजी साहब को चाहिए कि जल्द से जल्द इस ऑर्डर को वापस लें, अन्यथा युवा जो है आने वाले दिनों में और ये प्रदर्शन और भी उग्र कर सकते हैं। आप लोग जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन अमन के साथ, जय हिंद जय भारत।